Hello students, now we are going to see the second part of the same lesson, that is public facilities and my school. Okay, in last video we have seen how the community helps in the development of the school. Okay, let's start with our next part of the same lesson on page number 37. First of all, we will see here what is given. Read and discuss is given. Okay, what are the students doing here? Yes, they are cleaning. Okay, so cleanliness is very important in our school. Cleanliness is also very important and is done very neat and tidily. Okay, a school can also help in the development of the community or to solve a problem. Hamari jo school hai, ओके वो हमारी कम्युनिटी को भी किस तरह से डेवलप कर सकती है या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है. स्कूल में बहुत अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स किए जाते हैं जिससे कि बच्चों को उन चीज़ों की आदत पड़ती है, हैबिट होती है ना. तो इन ऑर्डर टू डेवलप द हैबिट ऑफ क्लीनलीनेस, ओके, स्वच्छता की सवय अंगी येण्यासाठी द चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल बिकेम द एजेंट्स ऑफ क्लीनलीनेस backed by the school. स्कूल की तरफ से ये प्रोग्राम्स किए जाते हैं. दे लॉन्च अ क्लीनलीनेस ड्राइव इन अ विलेज, मतलब जो विलेजेस होते हैं वहां पर जो ग्राम स्वच्छता बोलते हैं, ग्राम स्वच्छता अभियान जो बोलते हैं, ऐसे वो लोग हर गाँव अपने गाँव के आजू बाजू का जो उनके स्कूल का जो एरिया होता है उसको वो साफ सफाई करते हैं ताकि वहाँ के लोगों को भी इस चीज से उनको कुछ सीखने को मिले कि क्लीनलीनेस ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ना. दे प्रिपेयर द पोस्टर आस्किंग द पीपल नॉट टू स्पिट, मतलब आपने कहीं पर भी थूकना नहीं है. इन द स्ट्रीट्स एंड द डिस्पोज द ऑफ गार्बेज प्रॉपरली, मतलब जो रैली निकालते हैं उसमें बच्चे पोस्टर लेकर खड़े रहते हैं, उसमें उस पोस्टर पर नॉट टू स्पिट इन द स्ट्रीट्स ये लिखा हुआ होता है. दे प्रेजेंटेड स्ट्रीट प्लेस, मतलब स्ट्रीट के ऊपर कोई नाटक, मतलब अगर गंदगी होती है तो उससे हम लोग को कितना खतरा है वो दिखाया जाता है कुछ प्लेस करके. एंड कन्वीनियंस द रेसिडेंस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्लीनलीनेस. Thus the school had a part in obtaining the clean village award for their village. और हमारे विलेज को क्लीन विलेज का अवार्ड मिलना चाहिए, इसलिए क्लीनलीनेस का इम्पोर्टेंस समय समय पर बच्चों के अलग अलग एक्टिविटी से लोगों से करवाया जाता है. इट हेल्प द विलेज टू बिल्ड इट्स यूनिटी, इससे विलेज में एक दूसरे के साथ में यूनिटी बनाने में भी बहुत आसानी होती है. कैन यू टेल विच टॉपिक्स वेयर डिस्कस्ड इन द पेरेंट टीचर मीटिंग डेट यू हैव कुड ऑब्जर्व. अब आप लोगों ने देखे होंगे पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो बहुत सारे अलग अलग पॉइंट डिस्कशंस किए जाते हैं, है ना. क्यों किए जाते हैं, क्यों, तो पेरेंट्स ने को भी कुछ दिक्कत आ रही है तो वो लोग टीचर से बात कर सकते हैं, टीचर उनको हेल्प कर सकते हैं सही मार्गदर्शन करके, है ना. इसके लिए अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशंस मीटिंग में किए जाते हैं. बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि अगर स्कूल में कोई चीज़ का अवेलेबिलिटी नहीं है तो उसके ऊपर भी तुरंत एक्शन ली जाती है. डिड योर फ्रेंड्स पेरेंट्स ऑल अटेंड दिस मीटिंग, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि मीटिंग अटेंड ही नहीं करते हैं, तो ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए. सबने मीटिंग अटेंड करनी चाहिए और अपना सहयोग, अपना साथ देना चाहिए किसी भी स्कूल को अच्छा बनाने के लिए. हाउ डिड यू रियलाइज दैट ऑल पेरेंट्स आर ट्रीटेड अलाइक एट योर स्कूल, आपके भी स्कूल में हर एक पेरेंट को सेम ही ट्रीटमेंट दी जाती है. ऑल स्कूल्स हैव अ पेरेंट टीचर एसोसिएशन एंड द माता पालक संघ, ओके. हर एक स्कूल के अंदर टीचर्स का एक एसोसिएशन होता है, मतलब एक ग्रुप बनता है, पेरेंट्स का भी एक ग्रुप रहता है, माता पालक संघ बोलते हैं, और ये दोनों मिलकर अपनी स्कूल को, अपनी सोसाइटी को अच्छा बनाने में साथ देते हैं, है ना. ब्रिंग अबाउट अ डायलॉग, दे ब्रिंग्स अबाउट अ डायलॉग बिटवीन द पेरेंट्स एंड टीचर्स. Parents can be help in various activities of the school. The school respects all the parents alike. School, जैसे कि हमारी स्कूल है वो हर एक पेरेंट का सेम सम्मान करती है, रिस्पेक्ट करती है.
वी मस्ट ऑल्सो इन्फॉर्म अवर पेरेंट्स अबाउट द हैपनिंग इन द स्कूल, जो भी अच्छी चीज़ें हमारे स्कूल में हो रही है उसके हर एक चीज़ के बारे में हमने हमारे पेरेंट्स को इत्तला करनी चाहिए. वी लर्न विद द हेल्प ऑफ बोथ टीचर्स एंड पेरेंट्स, देयर इंटरेक्शंस आर टू अवर बेनिफिट. टीचर्स और पेरेंट्स दोनों से मिलकर हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं और इनके इंटरेक्शन की वजह से हमारा बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है. Write an application to the school administration requesting that parents be allowed to run the school for a day. आप लोग ये कर सकते हो कि एक आधे दिन आप पेरेंट्स को अलाउड कर सकते हो एक दिन स्कूल चलाने के लिए. ओके, ऑलवेज रिमेंबर एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एजुकेशन ये हर एक बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है और वो उसको मिलना ही चाहिए. अ पेरेंट टीचेस म्यूजिक, अ पेरेंट कंडक्ट अ ड्रिल. किसी भी पेरेंट को अगर अपने स्कूल में कोई पार्टिसिपेशन करना है, स्कूल के लिए कुछ अच्छा करना है, तो उन्होंने आगे आना चाहिए, उन्होंने भी साथ देना चाहिए स्कूल का. वी मस्ट यूज पब्लिक सर्विसेज एंड पब्लिक फैसिलिटीज रिस्पॉन्सिबली, मतलब पब्लिक सर्विसेज और फैसिलिटीज हमने अच्छे से यूज़ करनी चाहिए. जैसे मैंने आपको बताया था, स्कूल लेंड अ हैंड इन द डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी. एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू गो टू स्कूल एंड लर्न. हर एक बच्चे का अधिकार है कि वो स्कूल में जाए और उसे पढ़ाई मिलनी चाहिए. स्कूल लैंड अ हैंड इन द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी. स्कूल ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके वजह से हमारी कम्युनिटी डेवलप होती है. ओके, सो आप लोगों को आज हमने ऑलवेज रिमेंबर वाले जो पॉइंट्स है, यहाँ ये और ये वाला जो ब्लू कलर के पार्ट में दिया गया है, ये आपको लिखना है आपके नोटबुक में. और उसके बाद जो मैं आपको PDF सेंड करूँगी उसके क्वेश्चन आंसर्स की, वो लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, बाय.